क्या आप जानते हो कि बिना किसी किताब को खोले भी कोई किताब पढ़ी जा सकती है? और क्या ये सच में पॉसिबल है? और अगर हाँ तो कैसे? आज इसी के सबसे कीमती राज को जानेंगे जो आपको आज तक आधा अधूरा ही बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। वैसे तो इस टेक्निक को क्वांटम स्पीड रीडिंग के नाम से आज के समय में जाना जाता है, लेकिन ये चीज कोई नई नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत से लोग बहुत पुराने समय से करते आए हैं, और वो भी अपने अपने तरीके से। और इसी क्वांटम स्पीड रीडिंग के बारे में कहा जाता है कि आप किसी भी किताब को सिर्फ उसके पन्नों को पलटने भर से ही सब कुछ पढ़ सकते हो, और आपको किसी किताब को पढ़ने में सिर्फ उतना ही समय लगेगा जितना कि आपको उस किताब के पन्नों को पलटने में लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि यह पॉसिबल है? तो इसका सीधा सा जवाब तो हाँ है, लेकिन यह नियम हर तरह की किताबों पर लागू नहीं होता है, और ना ही इस टेक्निक को हर कोई यूज कर सकता है। लेकिन फिर कौन इसको यूज कर सकता है और कैसे वे इसको यूज कर सकता है? इसको जानने से पहले कुछ उन बातों के बारे में भी जान लेते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए जरूरी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के पास भी ऐसी ही खासियत थी, क्योंकि उनका एक वाक्य जो काफी फेमस है वह यह है कि वे भी लाइब्रेरी से रोजाना एक किताब ले जाते थे और सुबह वापस उसको जमा कर दूसरी किताब ले लेते थे। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर ऐसा होता तो उनको लाइब्रेरी से किसी किताब को पूरी रात के लिए अपने साथ ले जाने की जरूरत ही क्या थी? वे तो वही किसी भी किताब के पन्ने पलट कर पढ़ सकते थे, क्योंकि क्वांटम स्पीड रीडिंग के बारे में तो जो सबसे ज्यादा मिथ कहे या आइडिया कहे जो सबसे ज्यादा चलता है वह यही है कि आप किसी भी किताब को सिर्फ पन्ने पलट कर ही पढ़ सकते हो और आपको उस किताब में लिखा पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ आ जाएगा। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आपको किसी पन्ने पर क्या लिखा है वह तक भी समझ आ सकता है। और जब इस टेक्निक को यंग पीपल सही से नहीं कर पाते हैं तो इसको इस तरह से दर्शाया जाता है कि बच्चे इसको ज्यादा जल्दी से प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि बच्चे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपने दिमाग से ज्यादा अपनी सोल के करीब ही रहते हैं, इसलिए वे इस क्वांटम स्पीड रीडिंग को कुछ हद तक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दिमाग की साइड से देखा जाए तो इंसान के लेफ्ट साइड के दिमाग का प्रयोग होता है किसी भी तरह की नई चीज को सीखने के लिए, लेकिन क्वांटम स्पीड रीडिंग का किसी इंसान के लेफ्ट ब्रेन से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि इंसान के राइट साइड के ब्रेन से संबंधित होती है। और राइट साइड के ब्रेन की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वह हमेशा क्रिएटिव होता है और हर चीज को बिल्कुल नए तरीके से सोचता ही नहीं, बल्कि नए नए तरीके के आभास और विचारों को पाता रहता है। और इसी राइट साइड के ब्रेन की ताकत होती है कि वह किसी भी इंसान की सोल से कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि क्वांटम स्पीड रीडिंग करने के लिए इसी प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए चलिए अब जानते हैं कि क्वांटम स्पीड रीडिंग कब काम करती है और किसके लिए काम करती है, और क्या मैंने इसको कभी यूज किया है। तो मेरे लिए इसको यूज करना बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन मैं इसको इस तरह से यूज नहीं करता हूँ जिस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आज के समय में समझाया जाता है कि आप किसी किताब के पन्ने पलटो और आपको उसमें लिखा सब कुछ समझ आ जाएगा, जबकि मेरे साथ ये चीज कुछ दूसरे तरीके से घटित होती है। खैर आप मेरी बात तो छोड़िए, अब पहले आपकी बातें करते हैं कि आप इसको कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि आप इसको कैसे यूज कर पाते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप इसको बस यूज करना सीख जाए और आपके लिए भी ये सब कुछ चीजें कॉमन सी हो जाए। तो चलिए पहले इसी सवाल के जवाब को जानते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जब भी कोई इंसान हकीकत में इस दुनिया भर के ज्ञान का भूखा हो जाता है तो सबसे पहले वह बहुत से ऑथर्स की किताबों को पढ़ना शुरू करता है, तो वह पाता है कि जितना ज्ञान वह अपने अंदर भरता जाता है उतना ही उसको बाकी लगता रहता है। और जब कोई 1000-2000 किताबें दुनिया के अलग अलग सब्जेक्ट्स पे पढ़ लेता है तो उसका संबंध 1000-2000 राइटर्स की सोल से तो उनकी किताबों को पढ़ने के कारण जुड़ी जाता है। साथ ही एक काम और उसके साथ हो जाता है कि इस स्टेज पर पहुंचने पर यह प्रकृति ऐसे इंसान को भी उसी स्टेज पर पहुंचा देती है जहां पर उसके सारे ज्ञान का खजाना छिपा है, और जिस खजाने का प्रयोग करके कोई राइटर कभी कुछ नया ज्ञान इस दुनिया के लिए क्रिएट कर पाता है। और यहीं से इस इंसान की क्वांटम स्पीड रीडिंग करने की शुरुआत हो जाती है, और फिर वह किसी भी किताब के टाइटल को देखते ही या किताब के किसी भी पन्ने को खोलते ही और उसकी दो चार लाइनों को पढ़ते ही उस किताब से नहीं उस राइटर की सोल से सीधे ही कनेक्ट हो जाता है जिसने वह किताब लिखी होती है, और साथ ही ज्ञान के उस कीमती खजाने से भी सीधे ही जुड़ जाता है, और उसको एक ही सेकंड में पता चल जाता है कि इस किताब का मेन टॉपिक क्या है और राइटर ने क्या समझाने की कोशिश की है। इसलिए चलिए अब आपके काम की बात करते हैं कि कब आप इस क्वांटम स्पीड रीडिंग को प्रयोग कर पाओगे और उसके क्या तरीके हैं। इसके लिए आपके पास कुछ तरीके हैं जिसमें से पहले नंबर पर तो आता है कि आप भी पहले हजारों किताबें अलग अलग सब्जेक्ट पर पढ़िए, जिसके जरिए इसके पूरे चांस है कि आप भी एक दिन एक राइटर ही बन जाओगे और आप पर भी ये प्रकृति मेहरबानी कर देगी कि आपके अंदर छिपी क्वांटम स्पीड रीडिंग की पावर को एक्टिवेट कर देगी। लेकिन यह पावर आपको केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स के मामले में मिलेगी जिस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ना और उसके बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे आज भी आपका जो भी पसंदीदा सब्जेक्ट होगा जिस पर आपने 10-20 किताबें
पढ़ी होगी तो आप उसी सब्जेक्ट पर लिखी गई किसी भी नई किताब के टाइटल या उसकी प्रस्तावना को पढ़कर ही बिल्कुल सही से अंदाजा लगा सकते हो कि इस किताब में क्या लिखा हुआ होगा। और जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो आप जानते हो आप क्या कर रहे होते हो, तो इसका सीधा सा जवाब है कि आप भी इस समय यही काम की टेक्निक क्वांटम स्पीड रीडिंग का प्रयोग कर रहे होते हो। दूसरे नंबर पर अगर क्वांटम स्पीड रीडिंग को यूज करने की बात करें तो जब भी आप किसी राइटर को पूरे दिल से लव या लाइक करने लगते हो तो तब भी आप उस राइटर की सोल से कनेक्ट हो जाते हो और उस समय आप उस अकेले राइटर से नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद अभी वर्तमान के और दुनिया भर में कभी भी हो चुके उसी के जैसे राइटर से कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि तब आप और आपके जैसे ही वे सभी लोग उसी हायर सोर्स से इंस्पिरेशन पा रहे होते हैं जहां से प्रकृति सभी को काम की चीजें बताती है। और आप बड़ी ही आसानी से ऐसे किसी भी राइटर की किताब के दो चार पन्ने पढ़ते ही बता दोगे कि उसने इस किताब में क्या बताने की कोशिश की है। इसलिए अब अगर तीसरे तरीके की बात करें तो जब भी आप स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर कर जाते हो तो आपको क्वांटम स्पीड रीडिंग जैसी चीजें करनी नहीं पड़ती बल्कि इस तरह की चीजें आपके लिए बिल्कुल कॉमन सी होने लगती है, क्योंकि आपके अंदर जो सोल अभी है वह एक लेवल पर इस दुनिया में मौजूद हर सोल से हमेशा ही कनेक्ट रहती है। वह बात दूसरी है कि इसका एहसास हमें हो या ना हो या कभी कभी ही हो, लेकिन ये कनेक्ट तो होती ही है। और इसी लेवल पर जो चीजें किसी इंसान की सोल किसी इंसान के दिमाग को बताती है या दिखाती है वह किसी दूसरे को भी कितनी ही दूरी से दिखा और समझा सकती है। और इसी काम को जब किसी किताब का सहारा लेकर किया जाता है और कोई उसमें कामयाब हो जाता है तो यही क्वांटम स्पीड रीडिंग कही जाती है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी राइटर की किताब को बिना खोले ही पढ़ सके तो आपको ऐसा करने के लिए उस राइटर की किताब का तो बस बहाना चाहिए होता है, जबकि आपको उस राइटर की सोल से कनेक्ट होना जरूरी होता है। और ऐसा करने से पहले आपको अपनी सोल के करीब जाना जरूरी होता है और उसके करीब जाने के लिए आपको अपने दिमाग को वश में करना जरूरी होता है और उसको वश में करने के लिए आपको अपने डाउट्स को दूर करना जरूरी होता है और डाउट्स को दूर करने के लिए आपको एक कोई ऐसा आंसर चाहिए होता है जो किसी के खाली दिमाग की उपज ही ना हो बल्कि जवाब ऐसा हो जो आपके डाउट को कुछ समय के लिए ही नहीं हमेशा के लिए खत्म कर दे। और ऐसे जवाब केवल सोल के लेवल से ही किसी को मिल सकते हैं, क्योंकि सोल के सामने दिमाग तो हमेशा बच्चा ही रहता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक क्वांटम स्पीड रीडिंग जैसी पावर पा सके तो आपको ये कुछ चीजें करनी जरूरी है जो आपको आज इस वीडियो में बताई गई है। और अगर आप ऐसा करते हैं या आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही जल्द आप भी इस टेक्निक को सही से यूज करने में कामयाब हो सकते हो। और अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार है। तो आज इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।